खेलों का आयोजन जो आज राज्य स्तर तक पहुंचा है, इससे मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। बगैर उनके सहयोग के संभव नहीं था। हर गांव के अंदर एक साथ में प्रोग्राम होना मैच का, 30 लाख प्लेयर, 10 लाख महिलाएं उसके अंदर, 2,60,000 टीमें बनी हैं। आप सोच सकते हैं कितने बड़े रूप में आयोजन हो रहा है। फिर ब्लॉक स्तर पर प्रोग्राम हुए हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट पे हुए हैं, और मुझे सौभाग्य मिला सब जाने का। आज स्टेट लेवल पे आप देख रहे हो कितना उत्साह बच्चों का। एक नई सोच के साथ में ये काम शुरू हुआ है कि क्यों नहीं हम लोग, हमारे राजस्थानी बच्चे भी नेशनल इंटरनेशनल स्तर जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब एक माहौल बनता है तो प्रतिभाओं को एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है और उसी से वो आगे आते हैं और उनको फिर तराशने का हम लोग करेंगे। कोई कमी नहीं आने देंगे। खेल स्टेडियम हर ब्लॉक में बन रहे, हमारे ध्यानचंद के नाम से बन रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ में हमने काम शुरू कर रखा है। इनको अच्छे कोचेज मिलेंगे। पहले आपको याद है कि स्टेट लेवल का वो स्पोर्ट्स मीट हुई थी यहाँ पर, स्पोर्ट गेम हुए थे, वो भी बहुत शानदार हुए थे। फिर हमने जो इनको आरक्षण दिया नौकरियों के अंदर, प्राइस 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दी है। 229 लोगों को तो नौकरी मिल गई, आउट ऑफ टर्न मिल गई है। इनको पेंशन देने का हमने तय किया है 40 साल के बाद में, अवार्ड ही उनको। सारे जो कदम उठाने चाहिए हमने उठाए हैं। इसके कारण आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूँ राजस्थान में खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने प्रदेश का। अभी तो लहर चल रही पूरे सब जगह देश के अंदर। राहुल गांधी जी अभी तो आए नहीं है नॉर्थ इंडिया, उनके पहले लहर चलने लग गई है। इस प्रकार से आप जितने प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, यार डिस्कशन आते रहते हैं साहित्यकारों के, पत्रकारों के, लेखकों के, आप अगर उनको सुनते होंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी जी के बारे में जो इमेज बनी है कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत भाईचारे की बात को लेकर निकले, वो देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, जिनके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन जी जी शहीद हो गए और कई लोग गया शहीद हुए हैं। आप बताइए कि आज राहुल गांधी की यात्रा से एक नई फिजा बनी देश के अंदर। सब आपस में जाति धर्म वर्ग से ऊपर उठ करके राजनीति करो और देश को सेवा, देश की सेवा करो, बजाय कि आप धर्म के नाम पे बांट दोगे लोगों को, जाति से बांट दोगे। थोड़े समय के लिए अच्छा लग सकता है लोगों को, परंतु लॉन्ग टर्म में देश हित में नहीं है। ये थीम राहुल गांधी की है। और कल जब मैं गया वहाँ पर बेलारी के अंदर तो क्या माहौल था, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं यात्रा के अंदर, पैदल चल रहे हैं। 25 किलोमीटर चलना किसे कहते हैं? 25 किलोमीटर यात्रा प्रतिदिन हो रही है, पूरे उत्साह के साथ हो रही है। मैंने कई डेलीगेट से बात की जो पैदल चल रहे हैं, कहते हमें 4-5 दिन तकलीफ हुई थी पहले, अब तो हम लोग हैबिचुअल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यात्रा ही बहुत ही, मैं समझता हूँ, शानदार मैसेज दे रही है। केंद्र सरकार दबाव में आ गई है। आज मोहन भागवत जो है वो राहुल गांधी की जो थीम है उस पर बोलने लग गए हैं। उनके मिस्टर हॉर्स बोले जो है उनके नंबर 2, वो बोलने लग गए हैं। तो जो इशू राहुल गांधी ने उठाए हैं उन इश्यूज को लेके आज आरएसएस के लोग भी, बीजेपी के लोग भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि तो देश वरना उनको माफ नहीं करेगा। तो उससे बड़ी विजय राहुल गांधी क्या होगी कि जो व्यक्ति निकल पड़ा है, कारवा निकल पड़ा है, वही थीम आरएसएस की होने लग गई है। तो जनता से कटना नहीं चाहते हैं, बीजेपी नेताओं की हो गई है। तो नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को सोचना पड़ेगा अल्टीमेटली। अगर जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर अपील करें देशवासियों को, इतनी हिंसा हो रही है आपको हमको नहीं मालूम पड़ता है। छोटी छोटी बातों को लेकर हिंसा होने लग गई देश के अंदर, धर्म के नाम पर होने लग गई है, लिचिंग होने लग गई है। क्या क्या आप बताइए, अभी कोड़े लगा दिए मुस्लिम बच्चों को लेकर के, ये देश में ये क्या हो रहा है? कानून हाथ में लोगे तो कानून राज ही नहीं रहेगा, तो किसी के कोड़े लग सकते। फिर तो कोई धर्म की बाध्यता नहीं रहेगी, कोई धर्म की नहीं रहेगी, जाति की नहीं रहेगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। और पूरा मीडिया उठा ही नहीं रहा है। खेड़ा के अंदर जो घटना हुई है वो घटना मामूली नहीं थी, उसको दबा दिया गया। हमने कहा कि उदयपुर के अंदर घटना हुई, बहुत भयंकर घटना थी, वो इमीडिएट अरेस्ट में हमने किया है, कार्रवाई करी है हम लोगों ने।
तो आज कानून का राज स्थापित होना ही देश चलेगा, वरना देश कमजोर होगा और मैं समझता हूँ पता नहीं किस दिशा में जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को क्या तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी जी को अपील करने में कि सब लोग प्रेम से भाईचारे रहो, आप लोग हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो राहुल गांधी की यात्रा मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार चल रही है वो एक संदेश दे चुकी हो। सर देंगे, डेलीगेट में उत्साह है, बहुत भयंकर डेलीगेट में उत्साह है और सब लोग कल आएंगे, भाग लेंगे सब में। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं उनके प्रस्ताव बना था खड़गे साहब का, तो कुछ लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करी साहब की आपने कैंपेन किया। कैंपेन करना तो होता है, मैं हर राज्य में जाता बात करता, वो तो मैंने किया नहीं। पर जिसका मैं प्रस्ताव बना हूँ क्या मैं उनके लिए अपील नहीं कर सकता? फिर प्रस्ताव बनने के मायने क्या? तो प्रस्ताव के रूप में मैंने जो कुछ किया उसके रूप में किया, इसलिए मैंने कोई उल्लंघन नहीं किया जो चुनाव प्रक्रिया का। तो कुछ लोगों ने उसको तूल देने का प्रयास किया। कल चुनाव अच्छे होंगे, 19 को परिणाम आएंगे वो भी अच्छे होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे और मैं समझता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी। और कितना बड़ा त्याग किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, राहुल गांधी ने कहा मेरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा अध्यक्ष, ये कहने की हिम्मत चाहिए। अगर त्याग किसी ने किया है तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाया। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है, वुमेन साइकोलॉजी होती है, प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए। और तो साथ में सोनिया जी ने जो राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे परिवार का मतलब सोनिया जी हो गई, राहुल जी हो गए, प्रियंका जी, कोई नहीं बनेगा तो कोई नहीं बना खड़ा हुआ है। इससे बड़ी भावना क्या हो सकती है? अब पूरे मुल्क में उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जनों में विश्वास सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है, प्रियंका जी के प्रति है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह को तकलीफ क्यों होती है? बीजेपी को तकलीफ क्यों होती है? RSS को तकलीफ क्यों होती है? वो अपना काम करे। राहुल गांधी जी ने तो कहा था एक बार बड़ौदा के अंदर कि किसी ने कह दिया इनको सबको ख़त्म होना चाहिए, तो उनका नहीं ख़त्म नहीं होगी, ये अपनी विचारधारा की लड़ाई है, RSS अपना काम करेगी, उनको करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। ये सोच राहुल गांधी की है। मैं समझता हूँ कि देश में जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, समय रहते हुए युवाओं को भी समझना पड़ेगा, कल उनके ऊपर भार आएगा देश का। और मैं समझता हूँ कि अभी जो हालात हैं तनाव के हैं, हिंसा के हैं, वो समाप्त होने चाहिए। आप पर हम लोग रहे, अपने अपनी विचारधारा को लेकर राजनीति करें और हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करें देश के प्रति। उनको को अपने खुद के घर संभाले। अब ये बीजेपी के अंदर भी जो है कई कुंभे पैदा हो रहे हैं अंदर ही अंदर, हमारे पास रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट है कि बीजेपी के अंदर कई कुंभे पैदा होने लग गए हैं, उनकी वो बोलने हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मोदी जी से अमित शाह से इतने डरते हैं बीजेपी वाले, वो बोल नहीं पा रहे हैं, मन में वो मन ही मन में धमड़ा ले रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ।